The day when you had full confidence, total confidence, and you are not scared of anything, then you are successful. एकदम पतली सी महीन आवाज निकलेगी, आप यूं भारी भारी सवाल पूछेंगे, ये एक आध दो लाइन बोल के डिफ्यूज कर देंगे। उस डिफ्यूज करते हुए भी इनके आंसर्स मेनली पीस, लव, हैप्पीनेस, जॉय, पांच छह शब्द में घूम के खत्म हो जाएंगे। आप बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेके आएंगे, वो सारा रेजिस्टेंस मेल्ट हो जाएगा। हो सकता है आप इनके साथ नाचने लग जाएं, हो सकता है ये खुद नाचने लग जाएं, हो सकता है हजारों का भरा हुआ स्टेडियम नाचने लग जाएं। सचमुच ये ग्लोबल गुरु है। इनका नाम रविशंकर क्यों पड़ा? इनका जन्म संडे को हुआ था तो रवि आ गया, और इनके जन्म के दिन महान सेंट आदि शंकरा जी का बर्थडे था तो शंकर आ गया और ये बन गए गुरु श्री श्री रविशंकर। पढ़े लिखे गुरु हैं, इन्होंने बेंगलोर से बीएससी किया है। दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से हम सब इनको जानते हैं। आज 152 देशों में आर्ट ऑफ लिविंग की शाखाएं हैं, वहां लर्नर्स हैं, वहां डूअर्स हैं, वहां वॉलंटियर्स हैं, और इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा वॉलंटियर बेस्ड एनजीओ कहा जाता है आर्ट ऑफ लिविंग को। दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग की ख्याति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यूएनओ ने इसे एक्रेडिशन दिया है अपने सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और खास बात क्या है, कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, कोई भाषा नहीं है, इनका सिर्फ एक धर्म है, वो धर्म है वर्ल्ड पीस। और उस धर्म का सिर्फ एक लेसन है, लव, लव एंड लव। इसीलिए तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं कि श्री श्री रविशंकर और आर्ट ऑफ लिविंग इंडिया के ट्रू स्टार्स हैं। आज की इस केस स्टडी से आप जानेंगे हिंदुस्तान के ग्लोबल गुरु के बारे में, आप जानेंगे कैसा भोजन करना चाहिए, आप जानेंगे कौन सी ध्यान की क्रिया वर्ल्ड फेमस है, और आप जानेंगे कौन सी चीज ऐसी है जिसको इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है और ट्रूली वर्ल्ड लीडर बन सकता है। मुंबई ललित वीआईपी, लोग आंख बंद करके खाना खा रहे हैं, यूं मुंह में कौर रख लेते हैं, उसके बाद कौर को घुमाते रहते हैं, सारे लोग चारों तरफ से देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, 150 लोग आखिर बुफे में आंख बंद करके क्यों खाना खा रहे हैं। दिल्ली ताज वीआईपी, पूरी होटल में सब लोग मौन हैं, इशारों में बात कर रहे हैं, वेटर से इशारों में मांग रहे हैं, एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे हैं, हर तरफ लोग परेशान हैं। और इन सब एक्टिविटीज का सोर्स थे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, जिनके सेशंस को अटेंड करके मैंने अपने कोर्सेज में ये डीप मेडिटेशनल इंट्रोस्पेक्शन वाली एक्टिविटीज स्टार्ट की थी। आज आप जब खाना खाएं तो बहुत ध्यान से सुनिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सिट डाउन, पहले तो बैठ के खाना, चलते फिरते दौड़ते भागते मत खाना, सिट डाउन, क्लोज योर आइज, एक बार आंखें बंद कर लेना और भगवान को धन्यवाद देना, खाने को धन्यवाद देना। भाई, दुनिया में बहुत सारे लोगों को खाना भी नसीब नहीं है, इसलिए खाने को धन्यवाद देना जरूरी है। उसके बाद खाने को ध्यान से देखना, जी भर के, जैसे हड़बड़ी नहीं करना, कौन सी सब्जी रखी है, दाल रखी है, चपाती कैसी दिखती है, साथ में सैलेड है तो कैसा दिखता है, अच्छे से ध्यान से खाने को देखना। उसके बाद एक कौर तोड़ना और मुँह के पास लाना, नाक के पास लाना, एक बार स्मेल करना। हम लोग क्या करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी खाते हैं कि कब खा रहे हैं, सामने में टीवी देख रहे हैं, इधर अखबार पढ़ा है, कान में मोबाइल रखा है, मल्टीटास्किंग खाने के समय मत करना। उसके बाद खाने को मुंह में रखो, मुंह में रख के तुरंत चबाना नहीं, तो खटाखट खटाखट इधर खाया नहीं, चबाया नहीं, खाया नहीं, चबाया नहीं, मुंह में रखना और थोड़ा खाने को घुलने देना। जीभ पर अलग अलग जगह टेस्ट बड्स होते हैं और आपको पहली बार पता लगेगा इंडियन खाना कितना रिच होता है। आपको हींग का अलग से टेस्ट आएगा, लहसुन डला हुआ है तो अलग से टेस्ट आएगा, पुदीना डला हुआ है तो अलग से टेस्ट आएगा, धनिया का अलग से टेस्ट आएगा, अदरक का अलग से टेस्ट आएगा, और एक कौर में कई कौर की तृप्ति होगी। फायदा क्या होगा पता है, कम खाओगे लेकिन जमकर आनंद उठाओगे, इतना आनंद आएगा कि बता भी नहीं सकते। और मैं इसलिए कह सकता हूं, मैं सालों से वीआईपी में इस प्रैक्टिस को करा रहा हूं, और आपको यदि मौका मिले एक बार वीआईपी जरूर करना। स्क्रीन पर डेट सामने आ रही है, 60s 70s की बात है, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में एक आध्यात्मिक देश के रूप में फैल रहा था। भारत के गुरु, उनकी ख्याति दुनिया के दूर सुदूर देशों में फैल रही थी। उसी वक्त महेश योगी हिंदुस्तान से निकले,
यूएस पहुंचे और अपना खास किस्म का साइंटिफिक मेडिटेशन उन्होंने वहां से दुनिया भर में फैलाना शुरू किया। उनका जन्म हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो कि संयोगवश मेरी भी होम स्टेट है। और दोस्तों, श्री श्री अपना ग्रेजुएशन पूरा करके महेश योगी जी के साथ जुड़ गए, अनेक देश घूमे, टॉक्स किए, कॉन्फ्रेंसेस किए, मेडिटेशन शिविर्स का आयोजन किया और श्री श्री की प्रतिभा को महेश योगी जी ने पहचान लिया। पहचान कर कहा, बेंगलोर जाओ, वेद विज्ञान विद्यापीठ की स्थापना करो। उसमें 200 बच्चे थे, लेकिन अचानक एक दिन महेश योगी जी ने सारे विद्यापीठ को बंद करने का निर्णय ले लिया और कहा सब बच्चे दिल्ली जाकर पढ़ेंगे। श्री श्री को यह मंजूर नहीं हुआ और उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि मैं अपना रास्ता अलग बनाऊंगा। श्री श्री किस चीज के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? सुदर्शन क्रिया के लिए। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं बेंगलोर के पास शिमोगा नाम का एक छोटा सा विलेज है। एक बार गुरुदेव वहां पहुंचे, नदी के किनारे बैठ के ध्यान करने लगे, 10 दिन का मौन ध्यान, और वहां पर उनको भीतर से सुदर्शन क्रिया की अनुभूति हुई, रिवील हुई खुद सुदर्शन क्रिया, और उसके बाद ध्यान टूटा। जब उन्होंने ऑडियंस को ये बोलना शुरू किया तो ऑडियंस को ऐसा लगा मानो वो ये पहले से जानते हैं। आज सुदर्शन क्रिया इनर पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, फोकस के लिए, डी स्ट्रेसिंग के लिए, हर तरीके के हेल्थ के लिए 100 से ज्यादा देशों में प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन प्रश्न ये है कि इतना बड़ा आश्रम कैसे बन गया? इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं जब भीड़ बढ़ने लगी तो गुरुदेव एक दिन अपने ड्राइवर के साथ निकले और कनकपुरा रोड पर गाड़ी जा रही है, इधर भी खूबसूरत लैंड, इधर भी खूबसूरत लैंड, लेकिन वो बोल रहे चलते रहो। अचानक एक जगह उन्होंने कहा रुक जाओ और बोले आश्रम यही बनेगा। और कहते हैं जिस जगह गाड़ी रोकी उसी जगह आश्रम का मेन गेट है। तो जब मैं उनके आश्रम गया, मैं बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह गया। वहाँ पर मैंने पूरी एक्टिविटीज़ देखी, वहाँ पर मैंने खूब सारे फॉरेनर्स को सेवा करते हुए देखा, वहाँ मैंने एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स देखे, वहाँ मैंने मेडिटेशन देखा, वहाँ मैंने सब कुछ देखा। इसीलिए आपको भी मेरी ये सलाह है, यदि अब तक आर्ट ऑफ लिविंग का कोई कोर्स न किया हो तो एक बार खुद आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स जरूर करें, और मेरा विश्वास है उसके बाद आप अपनी टीम के लिए, अपने स्टाफ के लिए उसको जरूर कराएंगे। दोस्तों, श्री श्री को बहुत से लोग मेंटल हेल्थ गुरु भी कहते हैं, और एक्चुअली दुनिया में बहुत सारे देशों में मेंटल हेल्थ पर उन्होंने काम किया है। WHO क्या कहता है? WHO कहता है डिप्रेशन से दो बहुत बुरी चीजें होती है, एक डिसेबिलिटीज, दूसरा बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। और घरों की दिक्कत क्या है, घरों में डिप्रेशन को बीमारी नहीं मानते, डिप्रेशन को हैंडल करना ही नहीं सिखाते, सोचते हैं बातचीत करके हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए टेक्निक्स होती है, टूल्स होती है। क्या कहते हैं श्री श्री? वो कहते हैं इंटरेस्टिंगली, सब लोग सांस लेते हैं दुनिया में, सांस में लव है, सांस में हार्मोनी है। वो कहते हैं श्वास का एक बैलेंस होता है, एक रिदम होता है, वो रिदम इमोशन से होता है, वो रिदम बॉडी से होता है, वो रिदम अर्थ से होता है, वो रिदम नेचर से होता है। जब वो रिदम भीतर से बिगड़ जाता है ना, तो शरीर में आपस में फ्रिक्शन होने लग जाता है, शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, दिमाग का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, और वहां से फिजिकल डिसीजेस की भी शुरुआत होती है और मेंटल डिप्रेशन की भी शुरुआत होती है। और यहीं पर सुदर्शन क्रिया इन होती है, ब्रेथ को राइट करती है, रिदम में लाती है और बॉडी के अंदर हार्मोनी बिल्ड कर देती है बिना किसी दवा के। और रिसर्च कहती है हजारों लाखों लोगों को ग्लोबली डिप्रेशन के केसेस में सुदर्शन क्रिया से फायदा हुआ है। दोस्तों, कुछ कारणों से श्री श्री ग्लोबली फेमस हुए, उसमें से एक यूनिक प्रोग्राम है 5H प्रोग्राम। फर्स्ट एच होम्स, सेकेंड एच हाइजीन, थर्ड एच हेल्थ, फोर्थ एच हार्मोनी एंड फिफ्थ एच ह्यूमन वैल्यूज। इस 5H को उन्होंने अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में इतना प्रोपोगेट किया, इसकी वजह से इतनी जिंदगियां बदली कि उनको एक ग्लोबल गुरु का दर्जा मिला। उन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किए, फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट एक मिशन चलाया, मिशन। उन्होंने विमेन को बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस कराए, उनके सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेस कराए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। दोस्तों, बहुत सारी विमेन को घर बना कर दिए जिनके सर पर आसरा नहीं था, और ये सब करते हुए उन्होंने जात पात नहीं देखी,
ये सब करते हुए उन्होंने रंग नहीं देखा, ये सब करते हुए उन्होंने बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं देखा, ये सब करते हुए उन्होंने एजुकेटेड अनएजुकेटेड कुछ नहीं देखा। और जब आप इतनी शिद्दत से मानवता के लिए काम करते हैं तो फिर आपका नाम वर्ल्ड पीस गुरु के रूप में यदि फैल रहा है तो कोई अचरज की बात नहीं है। और हिंदुस्तान को एक ऐसा गुरु होने पर गर्व होना चाहिए जो पूरी दुनिया में मानवता फैला रहा है। आप जानते हैं बहुत सारे देशों में उनको प्रिजनर रिहैबिलिटेशन के लिए जाना जाता है, माना जाता है, पूजा जाता है। 2.5 लाख से ज्यादा प्रिजनर, और छोटे मोटे देश नहीं, US, डेनमार्क, UAE, UK। डेनमार्क जो दुनिया के सबसे हैप्पी देशों में से एक है, वो क्या करता है पता है? जुवेनाइल ऑफेंडर्स यानी जो कम उम्र के अपराधी होते हैं, बाल अपराधी, उनको जेल की सजा नहीं देता। वहां ये मानना है कि यदि उनको जेल की सजा देंगे तो वो कच्चे अपराधी कल के पक्के अपराधी हो जाएंगे। उसकी जगह उनको आर्ट ऑफ लिविंग के सेशंस में भेजा जाता है जहां पर उनको इंसान बनाने का काम करते हैं। जब दुनिया में इतने सारे देश आपकी बातें अपनाएंगे तो सोचिए प्रभाव कितना व्यापक होगा और दुनिया कितनी सकारात्मक रूप से बदलेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डी एडिक्शन। आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा रीजन होता है एडिक्शन। जब श्री श्री ने इस पर काम करना शुरू किया तो USA, इंडिया, मलेशिया, मंगोलिया, बहरीन, इन सब जगहों पर ड्रग के अगेंस्ट, अल्कोहल के अगेंस्ट, सब्सटेंस अब्यूज के अगेंस्ट मुहिम छेड़ दी। और मुहिम छेड़ने से वैलिडेटेड रिजल्ट क्या हुआ? डोमेस्टिक वायलेंस नीचे आ गया। और दोस्तों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल नेटवर्क खड़ा करना आसान बात नहीं है। ये उसी तरीके से है जैसे कोई एंटरप्रेन्योर अलग अलग देशों में फैक्ट्रियां लगाता है, कंपनियां बनाता है और उनको एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में लेकर आता है। और इसी वजह से आर्ट ऑफ लिविंग पूरी दुनिया में फैल रहा है और दुनिया भर में टॉप मोस्ट एजुकेटेड लोग भी इसके फॉलोअर है। हम लोग ऐसी बायोग्राफीज क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि आप जान सकें एक बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, एक बड़ा खिलाड़ी हो, एक बड़ा नेशनल लीडर हो या एक बड़ा आध्यात्मिक गुरु हो, हर किसी की जिंदगी के अपने स्ट्रगल्स हैं। हर कोई जब शिखर पर पहुंचता है खूब सारी चुनौतियों का सामना करता है, बहुत सारे अनकंफर्टेबल निर्णय लेता है, बहुत सारे मौकों पर दुखी होता है, गिरता है, असफल होता है, उसके बाद वो शिखर पर पहुंचता है। दुनिया में कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें बिना स्ट्रगल के, बिना खुद को चैलेंज किए, बिना इकोसिस्टम को चैलेंज किए शिखर पर पहुंचा जा सके। हमने आज तक ऐसी 50 से ज्यादा बायोग्राफीज उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट किए। आप किसी भी फील्ड के हो, आपकी कोई भी एज हो, ये बायोग्राफीज आपको रास्ता दिखाएंगी, आपको इंस्पायर करेंगी। यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो, उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज बेल आइकन दबा देना, ऑल क्लिक कर देना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और ऐसे कई जबरदस्त वीडियो आप मिस कर जाएंगे। हिंदुस्तान दुनिया को ज्ञान दे सकता है, हिंदुस्तान दुनिया को ध्यान दे सकता है, स्पिरिचुअलिटी दे सकता है, आध्यात्म दे सकता है, इनर पीस दे सकता है, क्योंकि यही हमारी धरोहर है। इसीलिए अब तक यदि आप ऐसे कोर्सेज ना करते रहे हो तो पहला मौका मिलते ही करें। जब तक आप भीतर से श्रेष्ठ नहीं होंगे, भीतर से एक्सीलेंट नहीं होंगे, बाहर से एक्सीलेंट नहीं हो सकते। और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, सबसे पहले आपको नमन। और आज यहाँ पर इस क्षण आपके कामों को मैं सैल्यूट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है आपको लंबी उम्र दे और आप दुनिया के कोने कोने तक अपना वर्ल्ड पीस का मिशन लेकर पहुंचे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार।